नमस्कार। श्रमिक कार्ड से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वीडियो में आपको यह बताया था कि जिन श्रमिकों को 1,000 रुपये अभी तक नहीं मिला है उन्हें क्या करना होगा। इसमें हमने बताया था कि जिन श्रमिक कार्ड का वेरीफाई नहीं हुआ है उनके खाते में अभी 1,000 रुपये नहीं आएगा। निश्चय है कि इस हमारे वीडियो से काफ़ी संख्या में श्रमिक बंधुओं को लाभ मिला होगा। मित्रों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर दें, जिससे आपको श्रमिक कार्ड से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको समय पर हम देते रहें। तो आइए मित्रों, इस बार हम आपको श्रमिक कार्ड रिन्यूअल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसके चलते रिन्यूअल न होने के कारण भी आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपका श्रमिक कार्ड एक्टिव नहीं है तो आपको श्रमिकों से संबंधित कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको अपना श्रमिक कार्ड बराबर एक्टिव रखना पड़ेगा। यह बहुत ही आसान है, इसे आप जन सेवा केंद्र या CSC केंद्रों पर जाकर करा सकते हैं, या आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप पर भी इसे कर सकते हैं। यह अभी पूरी तरह फ्री है, जिसे चंद मिनटों में आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ही नवीनीकरण के साथ आप कुछ अपना अपडेट अगर कराना चाहते हैं तो वह भी करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की योगी सरकार के साथ अन्य राज्य सरकारें भी श्रमिकों के लिए रोजगार चला रही हैं, लेकिन इसके लिए आपका श्रमिक कार्ड अवश्य बना होना चाहिए। साथ ही साथ आपका श्रमिक कार्ड एक्टिव रहना चाहिए, जिसके लिए कि आप नवीनीकरण की प्रक्रिया को बराबर अपनाते रहें, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना श्रमिक कार्ड के आपको श्रमिकों से संबंधित कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए अपने श्रमिक कार्ड को हमेशा एक्टिव रखें। आइए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम टाइप करते हैं UPBOCW। यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य। आपको एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर स्टेट में हैं तो यहाँ पर यूपी के स्थान पर उस स्टेट का आप लिखेंगे तो, और बाकी चीज वही रहेगा BOCW। अधिकतर वेबसाइट जो है सरकारों की इसी तरह की हैं, थोड़ा बहुत फिर बदल आपको मिलेगा। तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश के वेबसाइट को खोल रहे हैं UPBOCW। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हम इसको पहले नंबर पर जो है इसको हमने खोल दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रमिक, आप ऑप्शन देखते हैं मुख्य पृष्ठ BOCW, बगल में यहाँ पर आप श्रमिक, श्रमिक पर में आप देखते हैं कि कई ऑप्शन आपके सामने आपको दिया गया है। इसमें आप देखते हैं कि एक नवीनीकरण की स्थिति, चूँकि हमको अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण की स्थिति को देखना है कि उसका श्रम नवीनीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो नवीनीकरण पर आप इसे क्लिक करें। क्लिक करते ही हम देखते हैं कि एक नया पेज खुल के आता है। यहाँ पर दिया गया है कि श्रमिक के नवीनीकरण की जानकारी, अपनी पंजीयन संख्या को आप डाल दें। आप देखते हैं कि जो आपको श्रमिक कार्ड आपका बना हुआ है उसके फोटो आपका जो लगा होगा उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप यहाँ पर डाल दें। 8 5 3 यह हमने पंजीयन संख्या को डाला और हमने सर्च पर दाहिने हाथ जो आपकी बटन ये दिख रही है इस पर हमने सर्च कर दिया। सर्च करते ही हम देखते हैं कि पूरे जो श्रमिक है उस श्रमिक से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर हमको दिखने लगती है। श्रमिक का नाम, पंजीयन स्थिति। पंजीयन स्थिति में आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ सक्रिय लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह अभी सक्रिय है, अभी ये चल रहा है, इसको नवीनीकरण की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखना चाहते हैं कि नवीनीकरण की तिथि कब है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 21 मार्च 2022 इसकी अंतिम तिथि, इसकी जो है नवीनीकरण की जो तिथि होगी वो 21/3/2022, जिसका मतलब कि अभी इसको नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपको नवीनीकरण की स्थिति यहाँ दिखती है, सपोज कर लीजिए जैसे आज के डेट में 8 जुलाई 2021 है, अगर आजकल में आपका इस तरह की स्थिति बनती है तो आप नवीनीकरण करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि ये एक पूरी फिर जानकारी, वो सब चीज़ें आपके ऊपर जो जानकारियां आपको हैं वो सब रहेंगी।
साथ में ये नीचे की भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके इसमें आप देखते हैं कि श्रमिक का नवीनीकरण, नवीनीकरण से संबंधित आप देखते हैं कि आपका मोबाइल जो इसमें लिखा गया होगा उसका लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ दिखाई देगा। आधार नंबर आपको दिखाईगा, IFS कोड होगा, बैंक का नंबर होगा, ब्रांच नंबर होगा, बैंक खाता संख्या होगा और नवीनीकरण की अवधि आपसे चुनने के लिए कहा जाएगा। अब यदि एक चीज़ और है, यदि नोट यहाँ पर आप ध्यान दें, यदि बैंक का नाम और ब्रांच का नाम नहीं है तो IFS कोड डालकर चेक बटन पर आप इसे क्लिक कर दें तो आपका अपडेट वाली स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नवीनीकरण की अवधि आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने साल के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि केवल 1 ईयर का ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो हमने यहाँ 1 ईयर पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर चूंकि अभी इसकी स्थिति ऐसी नहीं है इसलिए हम इस पर अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा स्थिति बनती है तो आप इस पर क्लिक करके, एक पर क्लिक करिए, एक क्लिक करके आप यहाँ नवीनीकरण जमा करें पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका नवीनीकरण घर बैठे फ्री फंड में आपका हो जाएगा। अभी सरकार ने अभी फ्री किया है, हो सकता है कि आप जब करने बैठें तो ये भी संभावना है कि 20 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये जो भी होगा एक वर्ष का नवीनीकरण शुल्क वो आपका लग सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यह फ्री है। तो अगर आप अपना चेक कर लें, अगर आपका पैसा पेमेंट नहीं आया है तो हो सकता है आपका नवीनीकरण नहीं हुआ है जिसके चलते ये स्थिति आपकी है, तो इसलिए आप इसे अवश्य कर लें। इस तरह के चीज़ों को अगर आपको और जानकारी चाहिए लेबर कार्ड से संबंधित तो हमारे और भी वीडियोस हैं, और भी वीडियोस हमारे बनाए जा रहे हैं तो आप उसे देखना ना भूलें। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियोस आपके सामने दे सकें। धन्यवाद।